दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा डिजिटल प्रिंट पोर्टल के बारे में, वो भी डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से इसका यूजर आईडी और पासवर्ड लेना है और किस तरीके से इसको यूज करना है, सारा हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो दोस्तों, किसी भी सर्च इंजन में आना है और सर्च इंजन में लिखना है डिजिटल प्रिंट पोर्टल। जैसे ही यहाँ पे देखिए, मैंने पहले सर्च कर रखा था, यहाँ पे उस तरीके से इसका डायरेक्टली लिंक भी दे देंगे, आप डायरेक्टली इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। डिजिटल फास्ट प्रिंट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में दिख रहा है कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आप किसी तरीके से मैनुअल हो, चाहे आपका ऑनलाइन निकालना हो, आसानी से बहुत ही तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपको बस एक बार इसमें कुछ 297 लगभग 300 रुपये का एक बार पेमेंट करना होता है और आप इस सर्विस का लाभ पूरे लाइफ टाइम ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको पहले वैली रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पूरी लाइफ अनलिमिटेड इसका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले अपना फुल नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अगर आपके पास शॉप है तो शॉप का नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपको किस तरीके से आईडी चाहिए, रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर, अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम बता दें, आप रिटेलर आईडी ही यूज करें बेहतर पड़ेगा। क्या करेंगे इतनी लंबी प्रक्रिया लेकर के, आपको सिर्फ अपना काम चलाना है, ये ना कि दूसरे का। फिर उसके बाद आपको स्टेट चूज करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर था, वही आपका मोबाइल नंबर और वही आपका क्या बनेगा, पासवर्ड बन के ओपन हो जाएगा। और फिर उसके बाद लॉगिन टू पोर्टल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन टू पोर्टल पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर वही पासवर्ड बना हुआ है, उसको लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन सक्सेसफुली पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस तरीके से पेज ओपन होगा, आपको दोस्तों हम बता दें, इस पेज पे आने के बाद पहले आपको 297 रुपये का पेमेंट करना होगा, तभी आपका ये अनलॉक हो जाएगा। तो इसका आप आसानी से बहुत सारे सर्विस का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 297, अगर रिटेलर आईडी लेना चाहे 297, डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहे 897, अपने अकॉर्डिंग जो भी एक बार आपको यूज करना है। इसमें शो हो रहा है कि आप इसका एक बार रिचार्ज करते हैं तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इन सब का आसानी से बायोमेट्रिक या ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करके यूज कर सकते हैं या यूज करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिचार्ज नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होगा। 297 रुपये का पेमेंट स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे ही स्कैन करके पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपकी फाइनली ये रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस तरीका किस तरीके से लाभ लेना है, चलिए हम आगे बताते हैं। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आधार फास्ट प्रिंट, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इस आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है। इसमें दोस्तों हम बता दें, फिंगर से आप आधार कार्ड, किसी भी कैंडिडेट का केवल आधार नंबर है, उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं या दे सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट का, अगर मैनुअली आधार प्रिंट करना चाहते हैं तो यह मैनुअली आधार प्रिंट पर क्लिक करके आप किसी भी व्यक्ति का अगर फोटो कॉपी है तो वहाँ पर उसका डाटा फिल करके, एक फ़ोटो लगा करके उसका आधार कार्ड बना करके दे सकते हैं। और यहाँ पे वोटर आईडी उसी तरीके से, अगर आपका वोटर आईडी भी है, फ़ोटो लगा हो, आपके फ़ोटो हुआ, फिर उसके बाद आपके आरियल वोटर कार्ड नंबर हो, यहाँ पे डाल करके आसानी से उसको भी लाभ ले सकते हैं। इसी तरीके से पैन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड भी है, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही अच्छी सर्विस देता है जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड, वोटर कार्ड, और यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड है इसका भी अच्छी सर्विस देता है। लेकिन आपको बता दें, अभी हम इस सारे सर्विसेज का लाभ नहीं, केवल आपको आधार का ही दिखा पाएंगे कि आधार को किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे इसका तीन सर्विसेज का फास्ट वन, फास्ट टू, फास्ट थ्री रखा है। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप फास्ट पे क्लिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देखिए मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चर डालना है, उसके बाद आपके पास जिस भी कंपनी का डिवाइस हो, मार्फोफ या फिंगर डिवाइस हो,
अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अटैच कर लेना है और उसके बाद आधार नंबर यहाँ फिल कर लेना है। चलिए तो मैं अपना आधार नंबर फिल कर लेता हूँ कैंडिडेट का। 12 अंकों का आधार नंबर फिल करने के बाद कैप्चर फिंगर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कैप्चर फिंगर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप कस्टमर का फिंगर लगा करके आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं कैप्चर पे क्लिक करके अब कस्टमर का फिंगर लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जैसे ही कस्टमर फिंगर लगाया उसके बाद इस तरीके से डाटा हमारा अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे डाउनलोडिंग डेट, इशू डेट और यहाँ पे आधार नंबर और उसका नाम, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे अपनी भाषा के अकॉर्डिंग, जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको अपने अकॉर्डिंग भाषा चूज कर लेना है जिस भी भाषा में, क्योंकि आधार कार्ड जब भी जनरेट होता है कुछ कैंडिडेट का इंग्लिश में ही दिया गया है और कुछ का मल्टीपल है अर्थात दो भाषाओं में है जैसे इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे इस कैंडिडेट का अपने अकॉर्डिंग जिस भी सेकंड लैंग्वेज रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करके और चूज करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो मैं चलिए सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दोस्तों हमने हिंदी सेलेक्ट किया उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली इसका हिंदी में डिटेल फिल हो गया। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइनली ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों सबमिट होगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग जिस भी आपको अगर न्यू प्रिंट पे क्लिक करके नया वाला जो आधार कार्ड आ रहा है, इशू डेट, डाउनलोडिंग डेट, उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड करना चाहते कर सकते हैं। या पीवीसी प्रिंट पे क्लिक करके अगर आप पीवीसी कार्ड पे निकालना चाहते हैं तो A4 साइज में इसको निकाल करके आप प्रिंट कर सकते हैं कार्ड पर भी। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप कैंडिडेट का आधार कार्ड निकाल सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। और आपको बता दें फिर उसके बाद इसमें बहुत सारी सर्विसेज दी गई हैं जैसे वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया और यहाँ पे आयुष्मान प्रिंट हो गया बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग और यहाँ पे पैन कार्ड PDF अप्लाई, जैसा भी आप लाभ लेना चाहते हैं इस सर्विस का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों हम बता दें ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड के लिए बहुत ही बेहतर सर्विस इसका लाभ मिलता है। मैं इस सर्विस का लाभ काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और आप भी, मैं आपको इसका डायरेक्टली लिंक दे दूंगा। इसी तरीके से आपको क्रिएट पासवर्ड और ID जनरेट करके इसको यूज कर लेना है। अगर आपको लगता है आप पासवर्ड को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड भी आप कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड करके आप चेंज कर सकते हैं और आपको लॉगआउट करने की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको लॉगआउट भी आसानी से यहाँ पे देखिए पॉपअप शो हो रहा है, लॉगआउट पे क्लिक कर सकते हैं। लॉगआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फाइनली ये लॉगआउट हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।